आपने मेरी टेस्टामनी सुनी है, बड़ी बड़ी टेस्टामनी है मेरी, पर मैं लोगों के जैसा विश्वास नहीं करता। हाँ, जो लिखित वचन में जो लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूं, और उसी लिखित वचन के बारे मैं आपको समझाता हूं। आपने मेरी गवाही सुनी ना, आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरी ये नीचे का धड़ रुक गया था। रुक रुक समझते हैं, ऐसे धड़ क्या हो जाता है, जब मैं उठा सुबह तो मेरे पांव जब मैंने रखे तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बोलो क्या मुझसे खड़ा नहीं हो जा, मैं कैसे करके खड़ा तो हो गया। जब मैंने पैर ऐसे चलने के लिए ना, मुझसे मेरा पैर भी आगे नहीं ऐसे हो रहा, पर मैंने विश्वास किया। मैंने यहां तक अपनी पत्नी को, खुदा की दासी तक को नहीं बताया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई। लोग कहते हैं विश्वास करते हैं, उनके मुंह का अंगीकार देखो, वो पूरे मोहल्ले को लोगों को बताएंगे मुझे ये हो गया है। हाँ, पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि मुझे ये हो गया। शनेवासी के विश्वास को देखो, जिसका बेटा मर गया था। बोलो क्या, जिसका बेटा मर गया था उसका विश्वास देखो। उसने उसी खाट पर, इस पर कौन ठहरता था कि कौन विश्राम करता था, उसी रूम पे जो खुदावंद के सेवक के लिए, उसके दास के लिए, उसके रेस्ट के लिए, उसके आराम के लिए उन्होंने तैयार किया था। हाँ, बोलो क्या किया था, तैयार किया था कि जब जब वो आए तो क्या करें। बोलो जब जब वो आए तो क्या करें, वो विश्राम करें। जब कुछ भी आप खुदा के लिए करते हो तो खुदावंद आपके लिए बरकत दे, क्यों बोलो क्या देता है। अगर उसने ये सेवा की, एक उपरोटी कोठरी अपने रूम के ऊपर एक रूम बनाकर दिया, किसके लिए, एक खुदा के दास के लिए। हाँ, तो मेहनत नहीं लगती, पैसे नहीं लगते, पर जब कर्म किया तो खुदा ने आशीष दी। और हुआ क्या, शैतान को जलन हुई। क्या हुई शैतान को जलन हुई। जब तुम सेवा करते हो, यहां पे कुछ भी करते हो, तुझे जलन होती, तुम क्यों करते हो, शैतान रोकता है, उसे जलन होती। बोलो क्या होती है, उसे जलन होती। जब तुम बोते हो तो तब भी वो उसे जलन होती है, क्योंकि शैतान को क्यों जलन होती, शैतान जानता है कि तुम बढ़ोगे तुम आशीष दोगे, अगर तुम आशीष दोगे तो लोग तुम्हारी आशीष को देखकर और तुम्हारे पीछे आएंगे, इसलिए तुम्हें रोकता है। कितनों को समझ आ रही है, बोलो क्या करता है, वो तुम्हें रोकता है। पर जब तुम दिल खोलते, उसने दिल खोला खुदा की दास के लिए, एक प्रोटी कोठरी तैयार की, आशीष मिली बेटे की, पर शैतान को झलन हुई। बेटा थोड़ा जब 9-10 साल का हो गया तो उसने उसके प्राण क्या कर लिए, बोलो क्या कर लिए, उसके प्राण को निकाल लिया शैतान ने। पर शनिवासी का बड़ा विश्वास था, बोलो क्या था, उसका बड़ा विश्वास था। वो जानती थी कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिस दास के जरिए दिया है, वो मुझसे धोखा नहीं करेगा। हाँ, उसने अपने पति तक को नहीं बताया। बोलो क्या है, उसने अपने पति तक को नहीं बताया कि हमारा बेटा मर गया है। उसी खाट पर जाकर उस बेटे को लिटा दिया और रूम को, उस दरवाजा बंद कर दिया। अपने पति से कहा, एक गधी भेज, एक सेविक को मेरे साथ भेज, मैं खुदा के दास के पास होकर आऊं। उसने कहा, ना तो आज विश्राम का दिन है, ना नए चांद का दिन है, तू क्या करेगी। उसने कहा, कल्याण होगा। उसने ये नहीं बताया कि हमारा बेटा मर गया है, कहती कल्याण होगा। कितनों को समझ आ रही है, तुम्हें समझ आ रही है, सुनो। उसने कहा कल्याण होगा। जब वो गई, जब वो पहाड़ चढ़ रही थी, तो उसने अपने दास गेजी को भेजा, उसने भी पूछा क्या कारण है, उसने उसे भी नहीं बताया। बोलो क्या है, फिर खुद अलीशा ने उसे कहा, बोलो क्या है, फिर खुद अलीशा ने पूछा क्या कारण है। उसने कहा, मैंने कहा था अपनी दासी को धोखा ना दे। बोलो क्या है,
अपनी दासी को धोखा ना देना। जब उसे पता चला कि उसका बेटा मर गया है, तो उसने अपने सेविक गेची को एक छड़ी देकर भेजा कि उस बच्चे पर लगाना, वो क्या हो जाएगा। पर उस छड़ी से जीवित नहीं हुआ। बोलो क्या है? पर खुद फिर आलेश आ गया। बोलो क्या गया? अरे सुनो, इसमें एक पॉइंट है। आप जब बाइबल पढ़ोगे ना, अलीशा का जो सेविक गेजी है, जब वो शड़ी लेकर गया, अलीशा ने कहा उस मरे हुए बच्चे के मुंह पर उस शड़ी को लगाना, रास्ते में किसी से बात ना करना। वो क्यों नहीं हुआ जीवन? खुदा की उस बात में ये नहीं है कि सामर्थ्य नहीं थी, उसमें ताकत थी, पर जो घेची था वो एक शारीरिक बंदा था, वो सही वफादारी से चलने वाला व्यक्ति नहीं था। बोलो क्या है? वो सही नहीं था, वफादारी से चलने वाला वो व्यक्ति नहीं था। समझ आ रही है? इसलिए जो वफादारी से नहीं चलता, परमेश्वर के साथ काम भी नहीं करता। कितनों को समझ आ रही है? बोलो अपने पड़ोसी से वफादारी से चल, वो तेरे साथ काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ वफादारी से चल, वो तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए गेजी के द्वारा परमेश्वर ने काम नहीं किया। बेशक चाहे उस छड़ी में सामर्थ्य थी, पर वो सामर्थ्य क्यों काम नहीं आई? क्योंकि उस बंदे के हाथ में आ गई जो एक शारीरिक पर्सन था। आप आगे जाकर देख सकते हो उसकी शारीरिकता को। जब नमान कोड़ी आया बहुत धन लेकर, क्या लेकर आया? तो अलीशा ने उसे लिया नहीं, पर वो दौड़कर पीछे गया, झूठ मूठ बोला कि मुझे अलीशा ने कहा है कि कोई लोग आए हैं, इतने जोड़ी कपड़े, इतना सोना, इतना ये दे दे। आप देखना, क्योंकि वो एक शारीरिक जन था, लालच वाला बंदा था। बोलो क्या है? वो लालची इंसान था, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ काम नहीं किया। पर शुनेम वासी के विश्वास से जब अलीशा खुद गया, तो परमेश्वर ने उसके बेटे को जीवित कर दिया, जीवित। आमीन। उसी तरह से मैं भी जानता था मेरा परमेश्वर महान है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती है कि अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम लज्जित नहीं हो। बोलो, रोमियो 10:10 में क्या लिखा है? अगर तुम विश्वास करते हो तुम लज्जित नहीं होगे, तुम शर्मिंदे नहीं होगे। तो मैंने विश्वास किया। नहीं, खुद परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मैं लज्जित नहीं होगा, मैं शर्मिंदा नहीं होगा, मैंने कोई गलत अंगीकार नहीं किया। वो सबसे पीछे कौन है जो चेयर पर सोए हुए हैं, जो बच्चे हैं, वॉलंटियर हैं लोगों पर? बस आपकी ड्यूटी सिर्फ देखने की नहीं है, लोगों को भी ध्यान में रखो। एक तो ये बस ऐसे ही है, देखो लोगों को, आपकी ड्यूटी है। आपने किसी वॉलंटियर ने पीछे, जितने लोग हैं सब पीछे खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, देखो कौन क्या कर रहा है। अब खुद आराम से बैठे हो तो लोगों को क्या समझाओगे? अरे लोगों का कसूर नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी को समझो, क्योंकि लोग इतने आत्मिक नहीं है। हमें समझाना पड़ेगा, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। इसलिए लोग जब सीखते नहीं है, समझते नहीं है, तो उन्हें लगता है परमेश्वर झूठा है। बोलो क्या? परमेश्वर झूठा है। लोग कहते हैं वो काम करता है, काम करता है, करता है, वो झूठा नहीं। बोलो क्या? वो झूठा परमेश्वर नहीं है। पर समझने वाले, उसको लेने वाले किस मन से ले रहे हैं, ये उन पर निर्भर करता है। सुनो, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी का धड़ रुक जाना, एकदम से मेरी टांगे काम नहीं कर रही, पर मैं उठा, धीरे धीरे चला, जैसे मेरी टांगों में से पूरी जान खत्म हो गई, मैं डरा नहीं। वचन जो वचन में लिखा उस बात पर बना रहा, अड़ा रहा और खड़ा रहा, धन्यवाद देता रहा। आज का दिन निकला, कल निकला, फिर विश्वास से उठा। बोलो क्या है? अभी भी उसी तरह से सारी प्रॉब्लम है। तीसरे दिन जब उठा उसी तरह से विश्वास से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हुई। जब चौथा दिन आया और कम हुई,
क्या हुई? पांचवा दिन आया और कम हुई, और छठवें दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जब तुम बने रहते हो उस बात में, विश्वास में, शैतान को थप्पड़ लगता है, थप्पड़। हालेलुया।